नागेश, क्या दिन थे वो जब हम तुम पहाड़ियों पर घूमते थे, लेकिन मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हें और मुझे जुदा कर दिया, मुझे तुमसे जुदा कर दिया नागेश। लेकिन मैं अब ज़्यादा दिन तुम्हारे इस मृत शरीर को लेकर नहीं घूम सकती हूँ, और वो वक्त आ गया है कि मुझे तुम्हें दफनाना होगा। उससे पहले मैं अपनी ये नागमणि तुम्हारे अंदर पेश करती हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारे कातिलों का बदला जरूर लेके रहूंगी। और ये नागमणि मैं तुम्हारे अंदर पेश करती हूँ ताकि कोई भी दुश्मन ये नागमणि हासिल न कर सके। तुम्हारे मृत शरीर को दफनाकर उन कातिलों से बदला लूंगी जिन्होंने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुमको इस जमीन में दफनाती हूँ। नहीं नागिन, तुम इस नाग को नहीं दफनाती, मुझे ये नाग चाहिए। कैसे भी मुझे नागमणि हासिल करनी है। भैरो भैरो भैरो, मेरे होते ये नागमणि किसी के हाथ नहीं लगेगी। मुझे ये नागिन नागिन ये नागमणि चाहिए, अन्यथा मेरी इस तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरे गुरु जोगराज ने कितनी तपस्या की थी, लेकिन तूने उन्हें मारकर अच्छा नहीं किया। उनका ही भाई तुझसे बदला लेगा। ये जोगीराज आज फिर से तेरे इस सपने को असाकार करने आया है, और ये नागिन तू नागिन इस मणि को मुझे दिए बगैर कहीं नहीं जाएगी। भैरो भैरो भैरो। नागेश, मुझे क्षमा करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुम्हारे कातिलों से बदला लेने का, क्योंकि उन कातिलों को मार के मुझ में शक्ति आएगी, और उन शक्तियों से मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगी। अपना देश अपना ही देश होता है। आज इस देश में मैं काफी दिन के बाद लौटा हूं, लेकिन मैं अपने मकसद में अब कामयाब होऊंगा। हाँ हाँ, नागमणि की बात कर रहा हूं मैं, नागमणि की। बरसों पहले मैंने एक गोली चलाई थी एक नाग पर, और मुझे यकीन है वो नाग नागमणि वाला था, इच्छाधारी नाग था। और मेरे सामने एक खबर भी आई है कि उस मरे हुए सांप को उसकी इच्छाधारी नागिन लिए लिए फिर रही है। जैसे मैंने नाग को मारा है, ऐसे ही उस नागिन को मारकर उस नागमणि को हासिल करूंगा, और दुनिया का शक्तिशाली आदमी बनूंगा। शक्तिशाली आदमी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। जब तक मैं जिंदा हूं, इस जंगल के अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मुझे सरकार ने यह अधिकार दिया है, और इस जंगल से बहुत कुछ निकाला जा रहा था इससे पहले, और अब यहां पर कोई निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरे देश के जंगल को बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये काले धंधे गोरे लोग ये बहुत हुकूमत कर रहे हैं इस जंगल पर, वो अब मैं नहीं होने दूंगा। और ठाकुर विक्रम, आज योगी इस योगीराज की याद कैसे आई तुम्हें? योगीराज आ गए। योगीराज, तुमसे मुझे खास काम है, और मैंने इसलिए तुम्हें चुना है। आज इस गांव के ठाकुर को, ठाकुर विक्रम को, इस योगीराज से काम। अचंभे की बात है।
मैं अपने गांव पिछले 25 साल के बाद आया हूँ। तुम विदेश तो नहीं गए हो? मैं विदेश गया हूँ। विदेशों में उस चीज की बहुत कीमत है जिस चीज का मैं नाम लेने वाला हूँ, और तुम्हारे अलावा कोई इस चीज को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी क्या चीज है योगीराज के पास जिसकी जरूरत आपको है ठाकुर साहब? योगीराज, नागमणि। नागमणि? हाँ, नागमणि। नागमणि? तुम क्या करोगे ठाकुर नागमणि का? मैं जानता हूँ योगीराज, वो नागमणि तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो नागमणि है कहाँ। तुम बता सकते हो वो नागमणि कहाँ है? योगीराज, मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मैं, या तो मैं बता सकता हूँ या वो नागिन, लेकिन मुझे वो जगह नहीं पता कि उस नागिन ने नागमणि कहाँ रखी होगी। क्या सोच में पड़ गए? लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा ये होगा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए? योगीराज और 10 लाख रुपए? ये सौदा योगीराज को मंजूर नहीं। तो कम है तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता मैं। विक्रम, आखिर तुम जंगल में जाना क्यों चाहते हो, मुझे थोड़ा बताओ। मैंने बता तो दिया वजह कि नागमणि, उस नाग को हासिल करना है। सारी बातें छोड़ो बाबा, तुम्हें मेरा एक काम करना है, मुझे उस जंगल तक ले चलो, मैं वो नागमणि हासिल करूंगा। चलो सौदा। और हाँ, तुम्हें जंगल में ले जाना मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा मंत्र है जो सांप के काटने से असर नहीं करता है। हो सकता है जंगल में बहुत सारे सांप बिच्छू हो। इस जंगल के कितने भी जहरीले सांप, चाहे वो इच्छाधारी नाग नागिन क्यों ना हो, उनका जहर मेरे शरीर पे क्या ठाकुर, तुम्हारे शरीर में भी नहीं पड़ने दूंगा। जोगीराज, मेरे मंत्रों की शक्ति से। जोगीराज चले। ठाकुर, नागमणि तो आधी नहीं होती, लेकिन उस नागमणि से जो भी फायदा होगा दोनों आधा आधा लेंगे। मैं नागमणि आदि की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उस नागमणि की जितनी कीमत होगी उसका आधा पैसा तुम्हारा। चले। मंजूर है, चलो आओ।